मैम क्या नाम है आपका? जसवीर इंसान। करमजीत भाई जी। सुनीता जी, बीएससी एग्रीकल्चर। कितने साल हो चुके हैं आपको डेरा सच्चा सौदा जुड़े हुए? सर मैंने 1992 में नाम शब्द लिया था, तब मैं 600 में थी। मेरे माँ बाप शुरू से 1970 से जुड़े हुए हैं, उनके बाद हम भी जुड़े। 21 ईयर्स। जो अभी प्रेजेंटली गुरुजी के ऊपर जो केसेस चल रहे हैं, उन केसेस के बारे में जो है आप क्या कहना चाहेंगे? सर ये बिल्कुल बेबुनियाद है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। गुरुजी ने इतने मानवता भलाई के कार्य चला रखे हैं, आपने भी सब देखा ही है, मीडिया में भी काफ़ी इस चीज़ की चर्चा है। गुरुजी के ऊपर जो फैसले लिए गए हैं वो बेबुनियाद है, वो बिल्कुल सरासर झूठे हैं। जी बिल्कुल नहीं, जो भी गुरुजी पे आरोप लगाए गए हैं सारे झूठे हैं। इतने बहुत ज़्यादा गुरुजी को वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिले हुए हैं अपने बनाए संगत ने उन्होंने। मैंने खुद भी कम से कम 7-8 बार ब्लड डोनेट किया है। गुरुजी इतने मानवता भलाई के काम कर रहे हैं, हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं अच्छे कामों के लिए, तो उन पे उनके खुद के ऊपर वही आरोप लगाए हैं, ये एकदम सरासर गलत है। और जो जिस बंदे ने ये आरोप लगाया है वो बार बार जैसे अपनी गवाही से 2 बार मुकर गया। और जिससे कि मुझको 6th class में थी जब मेरे को अस्थमा की दिक्कत हो गई थी, बहुत इलाज करवाया था लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जैसे मैंने डेरे में आना शुरू किया, नाम शब्द लिया, सेवा शुरू की, पीते कि मेरे से मेरी बीमारी जड़ से ख़त्म हो गई जी, और मुझे नया जीवन दान मिला जी। तो जैसे अभी जो लास्ट केसेस थे उसके बाद में अभी हाई कोर्ट के अंदर आपके केसेस जा रहे हैं, तो क्या उम्मीद रखते हैं आप हाई कोर्ट से? सर हमें कोर्ट पे पूरा विश्वास है कि जो भी वो करेंगे हमारे डेरे के लिए सही होगा, क्योंकि गुरुजी बिल्कुल बेकसूर, उनका कोई भी कसूर नहीं इस चीज़ के अंदर। क्योंकि एक ऐसे इंसान की गवाही के ऊपर इन केस के ऊपर कार्रवाई हो रही है जो हर बार अपने बयान बदलता रहा है, जिसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, और सच एक दिन सामने जरूर आएगा। हमें माननीय हाईकोर्ट पर पूरा विश्वास है कि हमें न्याय जरूर मिलेगा और गुरुजी बाइज्जत बरी जरूर होंगे जी। गवाही से मुकर गया तो उसका कैसे बिलीव कर सकते हैं हम उस बंदे पे? गुरुजी अगर बाहर आते हैं समाज में तो समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? समाज के ऊपर पहले भी उनका इतना प्रभाव था कि लोग नशे छोड़ रहे थे, बुराइयां छोड़ रहे थे, अच्छे काम करने लग रहे थे। हमें यही उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा वहाँ पे जाके, हमारे गुरुजी भी इस पे बिलीव करते हैं। हमें अदालत से न्याय मिलेगा, ये हमें उम्मीद है उन पर। पूरा विश्वास है कि माननीय जो अदालत है हाईकोर्ट में, हमें इंसाफ मिलेगा उसमें। धन्यवाद दीदी बात करने के लिए।